हूँ मैं अपनी सिस्टर के घर पर। और जी आज ही जो है मेरे किचन में स्टार्ट होगी खाना बनाना। और मैंने अभी फ़िलहाल जो है ना मुर्गी धोकर रख दी है चिकन, और ना टमाटर जो है ना काट कर रख दिए हैं, प्याज को काट कर रख दिया था, और ये लहसुन अदरक और मिर्ची हरी इसको भी मैंने कूट कर रख दिए थे। अब जो है ना बाकी सामान यहाँ पर है। रात ही मैंने चावलों को भिगो कर रख दिया है, फ्राइड राइस बनाऊंगी मैं, और मैं बना रही हूँ कढ़ाई और मैं बनाऊंगी कस्टर्ड। और उसके बाद जो है मेरी सिस्टर जो है वो जाने उसका काम मैं कबाबे से कर लूँगी, और वो जो है मैंगो मिल्क शेक भी बना लूँगी। ठीक है जी, मैंगो मिल्क शेक भी मैं बना लूँगी। बाकी काम देखते हैं क्या होता है, क्या बनाना है। मैं पूछ रही थी, मैंने कहा अगर ब्रोस्ट भी बनाने हैं तो मुझे बता दो, उसको तो एक डेढ़ घंटा पहले मैरिनेट करके रखना पड़ता है। अगर खाएंगे तो कर लूँगी और रायता बना लूँगी। और मेरी बहन को कहा बस तुम कबाब अभी वो बना रही है, तल मैं लूँगी, और इसके अलावा जी शाशलिक वो खुद बना लेंगी। बस यही चीज़ें आई थिंक सो। ये जो है ब्राउनिश और पिंकिश कलर, ब्राउनिश कलर होना शुरू हो गया है, तो मैंने सोचा इसमें डाल दूँ मैं लहसुन अदरक। एक हाथ से काम करना और मोबाइल पकड़ना इज़ टू डिफ़िकल्ट। वन बाय वन मिक्स दिस। थोड़ी सी खुशबू आए ना जब, और थोड़ा सा ये पकने भी लग जाए, इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें। मैंने डाल दीजिए मुर्गी। चिकन डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से जो है ना फ्राई करूँगी। यार ये क्या चुन्नी सी, हमारे घर इतनी बड़ी बड़ी है ना, ये छोटी छोटी तो पकड़ी भी नहीं जा रही। और ये जी कढ़ाई, नेशनल कढ़ाई गोश्त जो है वो ये दही है, इसमें मैं एक पैकेट जो है वो ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और स्पून के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। मैं सोच रही हूँ आज और कोई मसाला मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी घर का, वरना मैं हमेशा घर के मसाले कढ़ाई या बिरयानी में यूज़ करती हूँ। आज मैंने कहा कि मैं पैकेट यूज़ करूँगी ये पूरा, और अगर फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे मिर्च मसाला डालना चाहिए तो फिर मैं ऐड कर लूँगी। पहले तो मैं ये बना कर इसका अच्छी तरह से देखूँगी जिसमें मैं और कोई चीज़ ऐड नहीं कर रही। आई थिंक सो इट्स इनफ। और यहाँ पर जी देखें जी माशाल्लाह कितना अच्छा ये फ्राई होने लग गया है, और फाइनली मुझे एक बड़ा सा चम्मच मिल गया है चलाने के लिए, जिससे मैं इसको जो है वो चला रही हूँ फाइनली। और इसका लुक भी बहुत यमी सा लग रहा है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। चलिए जी ये देखें इस कदर फ्राई हो गया है ये, और अब मैं इसमें जो है वो टमाटर डालूँगी। टमाटर में थोड़े ज़्यादा डालें क्योंकि उन्हें शोरबा नहीं होता ना कढ़ाई में, फिर भी मज़ा नहीं आता। चलाऊँगी अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी, और आई थिंक सो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना ढक कर रख देती हूँ ताकि टमाटर जो है ना अच्छी तरह से इसमें मिक्सअप हो जाए। उसके बाद मैं इसमें कोई स्पाइसेस वगैरह जो ये मैंने मिक्सर दही में डाला हुआ है पैकेट, वो मैं बाद में ऐड करूँगी। चलो जी नाउ कवर इट। मैंने इसे कवर कर दिया है, और जब तक मैं कोशिश करती हूँ कुछ और चीज़ बनाने की। टमाटर जब तक उसमें गल जाए तब तक मैंने सोचा कि मैं मैंगो मिल्क शेक बना लेती हूँ, तो मैं ये 1, 2, 3, 4, 5 जो है मैंगो लेकर आ गई हूँ। अगर कम लगेंगे तो मैं ज़्यादा लेकर आ जाऊँगी 1-2, और ना मैं बनाऊँगी मिल्क मैंगो मिल्क शेक। उसके बाद मुझे बनाना है कस्टर्ड, आज मैं कस्टर्ड में थोड़ा सा मिक्सअप करूँगी सारी चीज़ों का, देखते हैं क्या बनता है। देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। ऑलमोस्ट टमाटर मिक्स हो चुके हैं, मैं दोबारा से मिक्स करूँगी। और मैं सोच रही हूँ अब इसमें जो है ना मैं दही वगैरह भी डाल देती हूँ, क्योंकि उसके बाद ही मिक्स होगा चलेगा, या पहले ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ना उसके बाद आँच बढ़ा देती हूँ। यस, अब मैं इसमें करती हूँ पैकेट जो मैंने दही में डाला है
ये मैं ऐड कर लेती हूँ। देखिए मैंने सारी दही को ऐड कर लिया है, अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए चला कर ना, क्या है मूव हो जाता है इधर उधर। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ी देर चला कर ना मिक्सअप करके फिर रख देती हूँ। अभी अच्छी तरह से भले और जो है वो बन जाए, कवर कर देती हूँ। कोरमा बन जाए जब तक मैं जो है वो, ये जो मैंने मैंगो काट कर रखे हैं सारे, तीन मैंने और भी ले लिए थे, तो मतलब आठ मैंगो जो है वो ये मैंने काट कर रखे हैं। अब मैं इसको जो है वो जग में डालकर ना ग्राइंड करूँगी। ये जी चीनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है जी, और इसमें मैं दूध ऐड करूँगी। ये जी दूध आ गया है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी। चलिए इसको कर देते हैं कवर, ये हो गया, इसको चढ़ा देते हैं, फिट हो गया फाइन। ये तो चल ही नहीं रहा, क्या मसला है? चल गया चल गया। हाँ हल्के बांधो, देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त कितना यमी सा कोरमा बना है। और मैंने शोरबा थोड़ा ज़्यादा किया है वो इसलिए क्योंकि नान के साथ बंदा खाए ना तो कुछ तो हो ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि शोरबा, और वैसे भी मुर्गी इतनी मिक्स हो चुकी है ना, देखिए पूरी मिक्स हो गई है, मेरा ज़बरदस्त सा लग रहा है। बस के ऊपर मैं गार्निशिंग करूँगी। कढ़ाई तैयार है और यहाँ पर मैंने इसे गार्निशिंग भी कर ली है, बहुत ही ज़बरदस्त सी कढ़ाई लग रही है माशाल्लाह। और अदरक जो है ना खाने में मेरी जान होती है जब ऊपर से बनी हुई डली हुई होती है, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा डाला है और ज़बरदस्ती बनी है। अब मैं बनाती हूँ कस्टर्ड। ओके, कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने जो है वो दूध यहाँ पर रख दिया है, और ये सेवइयाँ हैं, इतनी सी है सेवइयाँ मैंने, ये मोटी वाली ना, ये मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको मैं पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, चलाती रहूँगी इसको। और इसके बाद जी मैं ये कस्टर्ड मैंने अभी इसे मिक्स करना है, क्या कंडीशन की है मैंने। चलिए जी अब इसमें मैं कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ, पूरा ही मैंने डाल दिया, शायद मैंने ज़्यादा भी डालना पड़े थोड़ा सा, पर मैंने इसमें सेवइयाँ ऐड की ना तो मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी इसमें, अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। ये कस्टर्ड बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है, इतना इससे ज़्यादा मुझे थिक नहीं करना, वैसे तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा और थिक मुझे लग रहा है। इसमें मैं अभी भी क्रीम वगैरह ऐड करूँगी और अच्छी तरह से मैं इसको जो हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। ठीक है जी, ये मेरा कस्टर्ड भी रेडी है, अब मैं बनाऊँगी फ्राइड राइस। बॉइल हो चुका है, मैंने चावलों के लिए रखा था, मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। तो देखिए जी चावल मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं, ये थोड़ा सा बॉयल हो जाए तो उसके बाद जो है मैं चावल तो यहाँ बॉयल होकर मैंने रख दिए हैं, ये देखें हो गए ना बॉयल। पर मैं बनाऊँगी फ्राइड राइस, उसी में मैंने बनाया है। फर्स्ट मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, फिर मैं इसमें पहले तो मुर्गी ऐड करूँगी और अंडा, मैं इसमें चिकन ऐड किए, अब मैं इसको थोड़ा चला कर ना फ्राई करके निकाल दूँगी। ये देखिए मुर्गी जो है ना फ्राई हो चुकी है, अब इसे मैं निकाल देती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे फादर जो है ना वो मुर्गी और अंडा नहीं खाते हैं, चिकन और अंडे से उनको एलर्जी तो वो नहीं खाएंगे, तो फिर मैंने इनको पहले फ्राई कर दिया है। अब क्या करूँगी मैं पूरे राइस बनाकर ना फिर बाबा के लिए राइस निकाल कर और फिर उसके ऊपर जो है ना मैं ये डाल दूँगी अंडा और ये चीज़। ठीक है जी, मुर्गी बिल्कुल निकल चुकी है, अब ये अंडा यहाँ पर मैंने फेंक कर रखा हुआ है। और ये अंडा जी आ गया,
ये अंडा भी जी इस तरह से मैंने रख दिया। अब इसको भी मैं निकाल दूंगी। ओके, मैंने निकाल दिया सारा अंडा। अब मैं इसमें दोबारा से ऑयल थोड़ा सा ऐड करूंगी, ठीक है जी। और इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूंगी। ये देखें जी, मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया इसमें। मैंने अदरक लहसुन भी ऐड कर लिया। बंद गोभी शिमला मिर्च और ये मटर ऐड कर दी है। इसे मैं अच्छी तरह मिक्सअप करूँगी। ये जी देखें कि इससे कितने अच्छा ज़बरदस्त सा ग्रीन ग्रीन सा कलर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैं राइस। ये देखें जी, चावल मैंने ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसको मिक्सअप करूँगी। पहले मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँ ना। ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें चिली सॉस। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। अगेन इसको मैं करूँगी मिक्स, क्योंकि इसका जायका जो ना लशपश सा होता है। हाँ भी इसमें मैं करूँगी काली मिर्चें ऐड, ठीक है जी। ये मैं ऐड करके ना दोबारा से मिक्सअप करूँगी फ्राइड राइस में। बस साढ़ तरह दी वो के मार खाने का फायदा है मानी ना, जल्दी आ खेरा ना खेर। मैंने बाबा के लिए एक प्लेट निकाल कर रख दी है। और यहाँ पर जो है अब मैं ऐड करूँगी जो मैंने मुर्गी की डाली थी, और जो है वो क्या नाम है अंडा, अंडा और मुर्गी, इन दोनों को मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगी जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और अब करूँगी मैं इसे मिक्स। ज़बरदस्त सी सा कलर और चावल एकदम यमी से। तेरा मैं चक्कर देखूँ। ओ माय गॉड, नमक डालना तो मैं भूल गई। चलिए कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर भी जुगाड़ आता है, अगर हम भूल जाएं तो कैसे डालें, वो भी काम तो हमें आता है। नो तो जी, जितना मुझे नमक डालना है वो मैंने डाल दिया। थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, इसको मिक्स करूँगी। पर कैसे करती हूँ ना, इसको मैं इसमें थोड़ा सुरका ऐड कर लेती हूँ। ये देखिए जी, मैंने क्या किया है कि नमक डालकर ना, फिर इसमें सिरका डालकर, सोया सॉस चिली सॉस डालकर ना इसको करूँगी मैं अच्छी तरह से मिक्स। ओके, अब मैं ये पानी इसमें करूँगी ऐड। मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ऐसे भी जुगाड़ होते हैं। अच्छी तरह से मैं सारा डालकर ना और इसमें करूंगी मिक्स। जबरदस्त जी, परफेक्ट। बस जी कवर करके रख दिया है। अब मैं करता रहूंगी तो कबाब। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट दिया है। अब ये प्याज है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और इसमें मैं
ये बंद गोभी है, और ये क्या कहते हैं इसे, ककम्बर है, इसको भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और इनको भी मैं अच्छी तरह से जो है ना मिक्सअप कर लूँगी। ये वाला रायता जो है ना मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त सा लगता है। ठीक है जी, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी ऐड किया है, थोड़ा सा, बिल्कुल आधा कप भी नहीं किया, आधे कप से भी कम। और इसमें थोड़ी सी जो है ना मैं नमक तो मैंने ऐड कर लिया है, और ब्लैक पेपर नहीं डालूंगी, बस ज़ीरा डाल देती हूँ थोड़ा सा। इसमें मैंने ज़ीरा भी ऐड कर लिया है, थोड़ा सा मैंने ना थोड़ी सी काली मिर्ची डाली है, बिल्कुल थोड़ी सी। और ये जी ज़बरदस्त सा रायता तैयार है। ये वाला रायता मुझे बड़ा पसंद है, ज़बरदस्त रायता भी रेडी है। मसाला सही है वो? टमेटो कितने तो खाएंगे? मुख्य जैसा नहीं आता, तो सही लास्ट टाइम खाती थी। तो बस तक खोला क्या उठा लिया, बिल्कुल रेडी है। और बाकी में ये अब्बू के लिए मैंने विदाउट जो है वो एग बनाई है। सबका सोचना है तो जी, आज का ज़बरदस्त सा लंच रेडी है, और गेस्ट भी आ चुके हैं, और अब सब खाना खा रहे हैं। तो मैंने कहा सब खाना खा ले, इसके बाद अब मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। सब काम तो हो गए हैं, मैं फ़्रेश भी होकर आ चुकी हूँ, और अब जो है मैं नमाज़ पढ़ूँगी और मोबाइल अपना लगाऊँगी चार्ज पर। 50% हो गया है, इंशाल्लाह फिर नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो देखती हूँ, अगर खाना अच्छा लगा तो खाऊंगी, वरना मैंने पूरा कोई भी मूड नहीं है खाना खाने का। चलिए जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर जी। तो ये मैं अपने लिए खाना लेकर आई हूँ, ये फ्राइड राइस, और इसके ऊपर मैं शाशलिक डाल कर आई हूँ, और ये चुन्ना सा मैं कोरमा लेकर आई हूँ, और हाफ पीस मैं नान का लेकर आई हूँ, और ये कबाब मैंने पूरा लेकर आई थी, लेकिन आधा मैंने खा लिया है। मैंने कहा चलो देख लेते कैसा बना है सब जी। तो अब बारी है कस्टर्ड की, इसके मैं लेयर्स बनाऊंगी। पहले मैंने एक लेयर जो है वो डाला है कस्टर्ड का, फिर मैंने बनाना डाल दिए इसमें, और इसके अलावा इसके बाद मैं दोबारा से एक लेयर डालूंगी कस्टर्ड की, मैं एक लेयर डालूंगी इस मैंगो की, जो मैंने इसको मिक्सअप करके रखा हुआ है। अच्छी तरह से मैं इसको लेयर बनाकर ना दोबारा से मैं इसमें कस्टर्ड की एक लेयर डालूंगी। लेयर डालने के बाद मैं इसमें जो ऑल पर क्रीम है वो मैं इसमें ऐड करूंगी। मेरे पास वो यहाँ पर है नहीं, क्या कहते हैं, ब्लेंडर। ये देखें जी, मैंने लिया है मिट्टी का ये कूलर छोटा सा, और साथ में ये लिया है मैंने जी। तो अब मैं जा रही हूँ केक लेने, बम्बई बेकरी से तो केक मिलता नहीं है, पहले ऑर्डर देना पड़ता है। तो पहले मैं जाऊंगी कदमगा मौला अली, उसके बाद मैं जाऊंगी केक लेने। और ये देखें मोटू भाई के पास साथ में आई हूँ, वो केक भी ले पोया है ना। ये मैं कदमगा मौला अली पर आ गई हूँ, और आए तो हम केक लेने थे, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कि एक बर्तब आए ना, अब हम ज्यारत भी करके चले। तो हम आ गए ज्यारत करने, शिनावर है बाहर, माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा बना हुआ है, इतना खूबसूरत बनाया है। यहाँ जेंट्स का है ऊपर, और नीचे जो है वो लेडीज़ का है। हम नीचे जाएंगे थोड़ी देर में ज्यारत करके ना, फिर वापस आ जाऊँगी। यहाँ पर वज़ू खाना बनाया हुआ है, पता नहीं क्यों पर यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है। अल्लाह मैं अब्बास के साए में दही चुका दी
जी इसका है। उस दिन हमें एनर्जी से बासी केक मिला था, आज हम बासी केक नहीं लेंगे, आज हम इस बेकरी से लेने आए। क्यों से नाम है? हैदराबाद बेकरी। कितने का ले लिया जी? केक भी ले लिया, बिस्किट भी ले लिए। चुन्ने मुन्ने बिस्किट जो होते हैं ना, वो मेरी बहन को बहुत पसंद है, तो वो चुन्ने मुन्ने बिस्किट जो है ना हमने ले लिए। और अब हम जा रहे हैं फादर जी। केक वेक आ गया है, अब हम घर भी आ गए थे अपने, और ये घर में अपना केक लेकर आई थी। मेरे फादर से कहा अब आप काटें, 10:30 बज रहे हैं, तकरीबन 10:45, और हम केक काट रहे हैं फादर डे का। चलें जी, आज की व्लॉग इतना ही यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें यार, सब्सक्राइब करें, कुछ तो फॉलोवर बढ़ाएँ, और कुछ तो सब्सक्राइबर होना ताकि मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाए जल्दी जल्दी, और मैं भी तो डॉलर्स कमाऊँ ना, मेरा भी तो हक है।